जवान ने छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला। जेसीबी चलाता था युवक, घर की दीवार को लेकर भाई से हुआ था झंझट। पटना में शादी करने भागे प्रेमी युगल पर अपहरण का केस दर्ज। स्कूल के समय से प्यार में थे दोनों, परिजनों को मंजूर नहीं था रिश्ता। बिहार में पत्रकार की हत्या। मधुबनी में सड़क के किनारे आज जली हालत में मिला शव, भाई ने अस्पताल संचालक पर शक जताया। खगड़िया में होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। स्टेशन रोड स्थित होटल में छापामारी, मैनेजर समेत 5 गिरफ्तार, होटल को किया गया सील। नवादा में सड़क हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। सामान लेने बाइक से बाजार जा रहे थे दो दोस्त, कार से हुई आमने सामने टक्कर। पति के सामने पत्नी की तरफ तरफ कर मौत। छपरा में बीए का एग्जाम देने जा रही थी, हादसे में गई जान, 6 महीने पहले हुई थी शादी। बेतिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, चप्पल की दुकान सहित कार और बाइक जलकर राख, कुल 5 लाख का हुआ नुकसान। मुजफ्फरपुर बेटा नहीं जन्म देने पर पत्नी और बेटियों से मारपीट, 3 बेटियों संग सदर अस्पताल में पीड़िता भर्ती, 3 बार गर्भपात कराने का भी आरोप। सुधरेगी अस्पतालों की सेहत, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से बिहार को मिले 1116 करोड़ रुपए। मुजफ्फरपुर के माधोपुर सुस्ता में वारदात, कपड़ा कारोबारी के घर पर फायरिंग, 3 लोग हिरासत में। आरा में युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत, इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ा। हादसे में मोतिहारी के 4 युवकों की मौत, छठ का प्रसाद देने बहन के यहाँ नेपाल गए थे चारों, अनियंत्रित होकर पलटी कार। तेजस्वी ने की मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग, बोले सीरिया रिपोर्ट सामने लाई जाए, बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार बन गया है। शराबबंदी के मामले में बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा पुलिस की सूचना के बिना शराब की तस्करी असंभव, 80% पुलिस वालों की शराबबंदी में रुचि नहीं। बेतिया में बाघ के हमले से वृद्ध महिला घायल, धान काट रही थी महिला, तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ ने किया हमला।